नमस्कार, YouTube चैनल एन यूनिवर्स 22 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुपोला फर्नेस के बारे में। कुपोला फर्नेस एक मेल्टिंग डिवाइस है जिसे फाउंड्रीज में प्रयोग करते हैं, और मॉडर्न समय में प्रयोग होने वाली जो कुपोला फर्नेस है उसे फ्रेंच साइंटिस्ट रेने एंटोइनी ने 1720 के अराउंड इसे बनाया था। कुपोला की जो शेप होती है एक बड़े साइज़ के स्मोक स्टैक की तरह होती है। कुपोला फर्नेस का प्रयोग ग्रे कास्ट आयरन, नोडुलर कास्ट आयरन, मेलिएबल कास्ट आयरन, कॉपर अलॉय जैसे ब्रोंज को मेल्ट करने के लिए किया जाता है, और कुपोला को आवश्यकता के अनुसार किसी भी प्रैक्टिकल साइज़ का बनाया जा सकता है। और कुपोला फर्नेस के साइज़ को डायामीटर में दर्शाते हैं। छोटे साइज़ की कुपोला फर्नेस सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन व एक्सपेरिमेंटल पर्पज़ के लिए बनाई जाती हैं। तो अब बात करते हैं कुपोला फर्नेस में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से होती है। उसमें सेल, फाउंडेशन, टायर, विंड बॉक्स, एयर ब्लोवर, स्लैग होल, मेटल टैपिंग होल, चार्जिंग डोर और चिमनी और स्टैक। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल की। सेल एक सिलेंड्रिकल वर्टिकल होता है, और सेल का जो डायमीटर होता है वह तकरीबन 0.5 से 4 मीटर के अराउंड होता है, और सेल को 6 से 12 mm थिक स्टील सीट से बनाया जाता है, वेल्डिंग और रिवटिंग की मदद से। सेल के अंदर रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स की लाइनिंग की जाती है, जैसे ब्रिक्स और क्ले, इसमें सिलिका और एल्यूमिना से ये बने होते हैं। और सेल की जो ऊंचाई या हाइट होती है वह इसके डायमीटर की 4 से 6 गुना होती है। उसके बाद है ब्रिक फाउंडेशन। कुपोला फर्नेस की वर्टिकल जो सिलेंड्रिकल सेल है इसकी फाउंडेशन ब्रिक्स पे की जाती है, और उसके बाद इस पर कास्ट आयरन से बने कॉलम्स या लेग्स की मदद से इस सेल को सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। और इस सेल के बॉटम में एक अलग से ड्रॉप बॉटम होता है, ड्रॉप बॉटम डोर जिसे कहते हैं, और यह कास्ट आयरन का बना होता है। इसे हम ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। जिस समय कुपोला फर्नेस की ये जो सेल है पूरी तरह से चार से फिल होती है तब इसको बंद कर दिया जाता है, और एक आयरन प्रोप से इसको सपोर्ट भी प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद जब मेल्टिंग कंप्लीट हो जाती है, मेल्टिंग कंप्लीट होने के बाद कोक व कुछ बचे हुए स्लैग्स को, जिसे हम डेब्रिस कहते हैं, उसको डिस्चार्ज करने के लिए ड्रॉप बॉटम की मदद ली जाती है। जब ड्रॉप बॉटम जो डूर है इसको क्लोज कर देते हैं डेब्रिस को डिस्चार्ज करने के बाद, और फिर से इसके ऊपर एक सैंड बॉटम या कह सकते हैं कि सैंड बेड को तैयार किया जाता है। यह सैंड बेड मोल्टन मेटल व कोक के लिए एक रिफ्रैक्टरी बॉटम का भी काम करता है। ये जो सैंड बॉटम या जो सैंड बेड है इससे थोड़ा सा ऊपर एक मेटल टैपिंग होल होता है जो शुरू में क्ले की मदद से बंद होता है। जब तक मोल्टन मेटल टैपिंग के लिए तैयार ना हो जाए, मेटल के मेल्ट होने के बाद जो टैप होल है वह ओपन हो जाता है, और यहाँ से मोल्टन मेटल को मोल्ड में पोर करने के लिए लैडल की मदद से ले जाया जाता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है स्लैग होल। मेटल टैपिंग होल से थोड़ा सा ऊपर, या कह सकते हैं कि टायर से तकरीबन 250 mm नीचे यह स्लैग होल बना होता है। स्लैग होल की मदद से मेल्टिंग प्रोसेस के दौरान स्लैग को बाहर निकाला जाता है। स्लैग लाइट होता है इसलिए मोल्टन मेटल के ऊपर फ्लोट करता है, जिसे स्लैग होल की मदद से रिमूव कर देते हैं। स्लैग होल के ऊपर एक विंड बॉक्स लगा होता है, और विंड बॉक्स के साथ में एयर ब्लास्ट इनलेट या एयर ब्लास्ट पाइप कनेक्ट होती है, और एक हाई प्रेशर फैन या फिर एयर ब्लोवर की मदद से इस एयर ब्लास्ट पाइप के माध्यम से विंड बॉक्स में एयर को सप्लाई किया जाता है। और ब्लास्ट पाइप में एक वाल्व भी लगा होता है एयर फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। ब्लास्ट प्रेशर जो तकरीबन 250 केजी पर मीटर स्क्वेयर से 1050 केजी पर मीटर स्क्वेयर तक हो सकता है। उसके बाद है टायर्स।
टायर्स बेसिकली नोजल या ओपनिंग्स होती हैं जो विंड बॉक्स जिसको सराउंड करके रखता है, और विंड बॉक्स से एयर को इन टायर्स के माध्यम से फर्नेस में भेजा जाता है, क्योंकि एयर से ऑक्सीजन मिलती है जो फ्यूल के कम्बशन के लिए सहायक होती है। और कह सकते हैं कि जो एयर सप्लाई की जाती है वो इसलिए ताकि फ्यूल का प्रॉपर कम्बशन हो सके। अगर टायर्स की लोकेशन की बात करें तो यह वर्किंग बॉटम से 0.6 से 1.2 मीटर हाइट तक लगाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें जो चार्जिंग डूर है, चार्जिंग प्लेटफॉर्म है, चार्जिंग जो डूर होता है वह टायर से तकरीबन 3 से 5 मीटर की हाइट पर होता है, और यह सेल के टॉप साइड की तरफ होता है। और इस चार्जिंग डूर के माध्यम से कोक, फ्लक्स और मेटल की जो फीडिंग है वह फर्नेस में की जाती है। अगर हम बात करें कि जो कोक होता है वह एक फ्यूल की तरह काम करते हैं, और जो फ्यूल हम कपोला फर्नेस में यूज़ करते हैं वो अच्छी क्वालिटी का लो सल्फर कोक हो सकता है, एंथ्रेसाइट कोक कोल हो सकता है, या कार्बन की ब्रिकेट हो सकती हैं। उसके बाद अगर फ्लक्स की बात करें, फ्लक्स बेसिक होता है जैसे लाइमस्टोन, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बाइड, डोलामाइट इत्यादि। फ्लक्स का काम होता है कि स्लैग के जो स्लैग बनता है उसके मेल्टिंग पॉइंट को कम कर उसकी फ्लूडिटी को यह बढ़ा देता है। स्लैग बेसिकली एसिडिक होता है और उसमें 40 से 50% सिलिका होती है। और जब कोक, फ्लक्स और मेटल को फर्नेस में भेजा जाता है तो उसके बाद ये जो हमें मेटल चार्ज मिला है यहाँ पर, मेटल चार्ज बेसिकली पिग आयरन, कास्ट आयरन स्क्रैप और स्टील स्क्रैप का मिक्सचर होता है। चार्जिंग डूर के बाद ये जो हरे रंग का हमें स्ट्रक्चर नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं चार्जिंग प्लेटफॉर्म। यह है माइल्ड स्टील की रोड और प्लेट का बना होता है और चार्जिंग डूर से 0.3 मीटर नीचे होता है। उसके बाद है चिमनी और स्टैक। चिमनी और जो स्टैक है यह कुपोला के टॉप की साइड की तरफ होती हैं, और कई बार क्या होता है कि जो कुपोला है वह ऊपर से टॉप साइड से ओपन भी होता है, और कई बार इसके टॉप पर मेटल शील्ड लगी होती है जिसे हम स्पार्क एरेस्टर भी कहते हैं। और यह चार्जिंग जो डूर है उससे तकरीबन 4 से 5 मीटर की ऊंचाई तक होता है, और जो स्पार्क एरेस्टर हम प्रयोग करते हैं उसका काम होता है एटमॉस्फेयर में जो वेस्ट गैसेस हैं उनको डिस्चार्ज करना और स्पार्क व डस्ट को वापस फर्नेस में डिफ्लेक्ट करना। और कभी कभी कुपोला पर कलेक्टर, फिल्टर और प्रेसिपिटेटर की अरेंजमेंट भी की जाती है ताकि वातावरण में होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सके। अगर कुपोला फर्नेस की हम कैपेसिटी की बात करें तो यह 1 टन से 15 टन या इससे ज़्यादा तक मेल्टेड आयरन के लिए उपयोगी रहती है। और दोस्तों आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि जो कुपोला फर्नेस है उसकी कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से होती है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स लगे होते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कुपोला फर्नेस में कौन कौन से जोन होते हैं और जो कुपोला फर्नेस में ऑपरेशन है वो किस प्रकार से होता है। तो आज हमने इस वीडियो में बात की कुपोला फर्नेस के अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में और उनके फंक्शन के बारे में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और N-Universe22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।